प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 16 फरवरी महाराजा सुहेल देव का जन्मदिन है, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महाराजा सुहेल देव का भव्य मूर्ति बहराइच जिले में बनवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महाराज सुहेल देव की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिस चित्तौड़ के मैदान में महाराजा सुहेल देव ने लड़ाई लड़ी थी, उस स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 16 फरवरी को महाराजा सुहेल देव के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में जहां कहीं भी महाराज सुहेल देव की प्रतिमा होगी, वहां पुलिस बैंड बजाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, फरवरी बसंत पंचमी का दिन है और महाराजा सुहेल देव का जन्म दिवस है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूज्य योगी जी ने प्रधानमंत्री जी पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार महाराजा सुहेल देव का एक भव्य स्मारक बहराइच के अंदर बनाएगी। महाराजा सुहेल देव की समृद्ध स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित होगा और जिस चित्तौरा के मैदान में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव और सैयद सलार मसूद के बीच में संग्राम हुआ था, उस चित्तौरा के मैदान को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। 16 तारीख को इन तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास पूज्य प्रधानमंत्री जी वर्चुअल दिल्ली से करेंगे। इस कार्यक्रम में पूज्य प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जुड़ेंगे और बहराइच में श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और फैसला किया है, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का काशी में प्रवास था, वहां से उन्होंने आदेश जारी किया 16 तारीख को महाराजा सुहेल देव के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी महाराजा सुहेल देव की प्रतिमाएं होंगी, वहां पर हमारा पुलिस विभाग अपने बैंड को बजाकर महाराजा सुहेल देव का सम्मान करेगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हम सभी लोग पूज्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी जी ने जो संकल्प लेकर आज महाराजा सुहेल देव की याद में जो इतना बड़ा फैसला किया है, हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब से पहले हम लोगों ने देखा है पिछली सरकारों में
कि लोग सलार मसूद की मजारों को तो सजाने का काम किए, जो एक आक्रांता था जिसके ऊपर पता नहीं कितने हिंदुओं के सर को कलम करने का आरोप रहा है। बाहर के आक्रमणकारी के मजार को तो पिछली सरकारें सजाती रहीं, और जिस महाराजा सुहेलदेव ने इतनी बड़ी लड़ाई इस धरती के लिए लड़ी, उस महाराजा सुहेलदेव का सम्मान पीछे कभी किसी सरकार ने नहीं किया। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के हम अपने अगुआ मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर जब बहराई जाएंगी तो महाराजा सुहेलदेव के इतिहास से परिचित होंगी। उसी क्रम में आज गोरखपुर और फिर अभी कुशीनगर देवरिया तक हम लोगों को जाना है, पूरे पूर्वांचल में और पूरे प्रदेश में जितने लोग भी महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको सब लोगों को 16 को बहराइच हम लोग ले आएंगे, उस ऐतिहासिक पल का साक्षी भी बनाने का काम करेंगे। जहां बीते कालखंड में महाराजा सुहेलदेव का शासन हुआ करता था वहीं राजा थे, और ये अभी जो पहले क्रम में चित्तौरा के मैदान में ये सारी चीजें होंगी, जिस मैदान में वो ऐतिहासिक लड़ाई, वो लड़ाई कितनी ऐतिहासिक थी, कितनी बड़ी थी, जब महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में 20 अन्य हिंदू राजा मिलकर उस लड़ाई को लड़े। और आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि उस लड़ाई का भय बाहर के लोगों में, जो आक्रमणकारी थे, जो देश को लूटने के लिए आया करते थे, देश पर हमला करते थे, उनके मन में कैसा डर बैठा। उस लड़ाई के बाद 165 बरस तक देश पर किसी भी प्रकार के आक्रमण का कोई इतिहास नहीं मिलता। इतनी बड़ी वो लड़ाई हुई, और ऐसी लड़ाई लड़ने का काम उस समय राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव और उनके नेतृत्व में 20 अन्य हिंदू राजाओं ने किया था। बाध्यता नहीं है, अभी वहां और भी चीजें हम लोग आगे करेंगे। अभी जो वहां जो कुछ हम लोग करने जा रहे हैं उसका वीडियो भी मेरे पास है, अभी का 80 करोड़ के आसपास का बजट है। नाम जोड़कर पार्टी बनाते हैं, और दूसरे तरफ महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करते हुए राजनीति के स्वार्थ में सलार मसूद की मानसिकता को आगे बढ़ाने वाले वो वैसी जैसे लोगों के साथ तालमेल कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। तो राजभर समाज ने तो फैसला किया है, 2022 आ रहा है, आप देखेंगे वो लोग राजभर समाज की बस्तियों में भी नहीं घुस पाएंगे। राजभर समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा। अब बीजेपी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों के लिए बंद है, बाकी फैसला हमारा प्रदेश नेतृत्व करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।